कि जो बाबरी मस्जिद गिराया गया ये गलत गिराया गया और इसीलिए इंसाफ होगा कि बाबरी फिर से बनाई जाए। इस इंसाफ के लिए लड़ाई है। मथुरा, काशी और ऐसे ना जाने कितने अभी अधूरे हैं, तो इस प्रकार का ख्वाब कि बाबरी दोबारा खड़ी हो जाएगी, ऐसा ख्वाब देखना भी, इसकी जरूरत भी भारत में मत करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचसीएन न्यूज़, मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। जेएनयू देश का वो विश्वविद्यालय बन चुका है जहां आए दिन वामपंथी नारेबाजी करते हैं। मीडिया कवरेज तो यहां के छात्रों के लिए आम बात हो गई है। यूं तो इस विश्वविद्यालय का निर्माण राष्ट्र की तरक्की के लिए किया गया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आतंकियों के समर्थन करने वाले राष्ट्रद्रोहियों का अड्डा बन गया है। बीते सोमवार को बाबरी विध्वंस को लेकर शहर भर में लोगों ने प्रदर्शन किया। वहीं जेएनयू के छात्रों ने भी हर बार की तरह कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान किया। बाबरी मस्जिद के समर्थन में यूनिवर्सिटी के छात्र संघ ने सोमवार की रात 8:30 पर गंगा ढाबा के पास एक हुजूम जमा किया। यहां हक की आवाज के बहाने इन्हीं वामपंथियों ने एक बार फिर भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश की, जैसे कि इनके पास यही एक एजेंडा बन चुका है। ये कोई नए अचरज की बात तो है भी नहीं, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में बैठे कथित छात्र केंद्र से नफरत करते करते राष्ट्र पर सवाल उठाने लग जाए, उनसे उम्मीद क्या करें। बता दें कि यहाँ चंद्रभागा हॉस्टल में एक सभा के रूप में संबोधन किया जा रहा था, जहाँ जेएनयू एसयू उपाध्यक्ष साकेत मून अपना पक्ष तो रख ही रहे थे, इसी के साथ यहाँ नारे लगाए गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में फिलहाल खूब वायरल हो रहा है। इसमें साकेत मून कहते हैं कि उन्हें सजा के साथ साथ मुआवजा भी देना पड़ेगा। आपको ये कहना पड़ेगा कि जो बाबरी मस्जिद गिराया गया वो गलत गिराया गया, इसलिए इंसाफ होगा कि बाबरी फिर से बनाई जाए। इस इंसाफ के लिए लड़ाई है। जस्टिस नहीं मिलेगा, उन्हें सजा तो मिलना ही पड़ेगा, पर साथ साथ कंपेंसेशन भी देना पड़ेगा। और ये कहना पड़ेगा कि आपको कि जो बाबरी मस्जिद गिराया गया ये गलत गिराया गया और इसीलिए इंसाफ होगा कि बाबरी फिर से बनाई जाए। इस इंसाफ के लिए लड़ाई है। साथियों, जब हम बात करते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की, और आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस है, और इसी बात पे उनके कुछ बातों को याद करते हुए मैं अपने बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जबकि इसी वीडियो में प्रदर्शन पर बैठे लोग खूब तालियां बजा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में खुद को छात्र कहने वाले ये सभी वामपंथी न्याय मांगने के बहाने ऐसी ऐसी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे चैनल पर बताना गलत विकल्प साबित हो सकता है। इस दौरान नहीं सहेंगे हशिमपुर, नहीं सहेंगे दादरी, फिर बनाओ बाबरी जैसे नारे लगाने की खबर भी है। इस पूरे प्रकरण में जेएनयू के प्रदर्शन और नारेबाजी को लेकर भाजपा नेता कपिल मिश्रा विरोध करते हुए काफी नाराज नजर आए। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो साझा किया। उन्होंने कहा, इससे पहले भी जेएनयू में आतंकियों के समर्थन में नारेबाजी होती रही है, ये विषैली सोच है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं। दोबारा बाबरी को बनाने का सपना देखने की कोई गलती ना करे। इस देश में 47,000 हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया है। इन 47,000 पापों में से अभी तक सिर्फ एक पाप उतर पाया है। मथुरा, काशी और तमाम अभी अधूरे हैं। जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष का ये बयान कि बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाया जाएगा, ये बयान हास्यास्पद तो है, लेकिन इनकी विषैली सोच को भी दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस प्रकार के बयान। और जेएनयू में पहले भी आतंकवादियों के समर्थन में, देशद्रोहियों के समर्थन में भारत को तोड़ने के नारे इस प्रकार के लगे हैं। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बाबरी को दोबारा बनाने का सपना कोई देखने की गलती ना करे। 47,000 हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया इस देश में, 47,000 पाप कर्म हुए हैं, उनमें से अभी केवल एक का पाप उतरा है। मथुरा, काशी और ऐसे ना जाने कितने अभी अधूरे हैं, तो इस प्रकार का ख्वाब कि बाबरी दोबारा खड़ी हो जाएगी, ऐसा ख्वाब देखना भी, इसकी जरूरत भी भारत में मत करना। बाबरी कभी दोबारा बनने वाली नहीं है, और जितनी और बाबरियां बनी है धर्मस्थलों को तोड़कर, उनका भी देश के कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, उन सब का हिसाब पूरा किया जाएगा।
बता दें कि नारेबाजी में शामिल जेएनयू एसयू उपाध्यक्ष साकेत मून वही छात्र हैं जिन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जाकर विवादित डॉक्यूमेंट्री राम के नाम की स्क्रीनिंग आयोजित की, जबकि वामपंथी छात्र संघ शुरुआत से ही सिस्टम के खिलाफ अपनी मनमर्जी करते रहे हैं। अब देखना होगा कि बीते सोमवार की घटना पर कोई कार्रवाई होगी या फिर आपत्तिजनक नारेबाजी का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए HCN News। धन्यवाद।